हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक रोड सेफ्टी एंड साइंस। रोड सेफ्टी इज द प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बाय यूजिंग ऑल द रोड सेफ्टी मेजर्स। जो रोड सेफ्टी है, अगर हम रोड सेफ्टी रूल्स जो हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करते हैं ठीक है अच्छे से, तो एक्सीडेंट्स को हम कम कर सकते हैं ठीक है, बच सकते हैं एक्सीडेंट से। जो डेली आप सुनते हो ना, न्यूज़ सुनते हो कि एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए, ये हो गया, तो वो सब किसकी वजह से होता है? जब हम रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से नहीं मानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि इन एक्सीडेंट्स को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से साइंस हैं जो हमें पता होने चाहिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स। आप लोग जब जाते हो इधर उधर तो आपने ये लाइट्स देखी होंगी, थ्री लाइट्स देखी होंगी आप लोगों ने ठीक है। ये लाइट्स आपने देखी होंगी, रेड लाइट एंड दिस इज़ येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। इनका नेम भी यही होता है और इनके कलर भी यही होते हैं। दीज आर ट्रैफिक लाइट्स। ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स एंड ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। जब हम रोड पर जाते हैं, अपने व्हीकल्स में होते हैं, तो हमें इन ट्रैफिक लाइट्स को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए कि अभी कौन सी लाइट ऑन है, तो हमें क्या एक्शन लेना है, हमें चलना है या हमें क्या करना है ठीक है। तो लाइट्स को हमें ध्यान से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए जो रोड पर लगी होती हैं। व्हाट डज रेड लाइट सेज। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर रेड लाइट ऑन है तो आपको क्या करना है। रेड लाइट जब चलती है तो आपको क्या करना है, स्टॉप, आपको रुक जाना है, अपने व्हीकल को रोक लेना है। आप देखते होंगे जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं, जब रेड लाइट आती है तो आपके पेरेंट व्हीकल को स्टॉप कर लेते हैं। सो रेड लाइट सेज स्टॉप। जब रेड लाइट ऑन होती है, इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप, हमें रुकना है। फॉर दिस येलो लाइट से, येलो लाइट क्या कहती है, वेट और स्लो डाउन। जब हमें दूसरे येलो लाइट दिखाई देती है कि येलो लाइट ऑन है, देन वी शुड स्लो डाउन ठीक है, हमें वेट करना चाहिए जब तक ग्रीन लाइट ऑन नहीं होती। व्हाट डज ग्रीन लाइट सेज। अब जब तक येलो लाइट रहेगी, वी हैव टू वेट, एंड ग्रीन लाइट सेज गो। अगर ग्रीन लाइट ऑन होती है, वी शुड गो, तब हमें चलना चाहिए। तो ये थ्री लाइट्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, इनका हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए ठीक है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें इन लाइट्स को फॉलो जरूर करना है। इसके बाद आता है रेड मैन सेज डू नॉट क्रॉस। अब ये भी, यहाँ पर अगर रेड मैन है ठीक है, यहाँ पर भी लाइट होती है, अगर रेड लाइट में इस तरह से रेड मैन है, देन वी शुड नॉट क्रॉस द रोड। अगर रेड है, वी शुड स्टॉप। एंड व्हाट इज ग्रीन मैन सेज, सेफ टू क्रॉस। अगर ग्रीन मैन है, यहाँ देखिए रेड मैन स्टॉप में था, ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे ठीक है, यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन है, एंड हियर यू कैन सी ग्रीन मैन इज इन वॉकिंग पोजीशन। यहाँ पर ये चलते हुए दिखाया गया है, मीन्स वी कैन क्रॉस द रोड। अगर ये ग्रीन है, देन वी कैन क्रॉस द रोड, इनका ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, ट्रैफिक वार्निंग साइंस। अब कुछ ट्रैफिक वार्निंग्स हैं, स्लिपरी, अगर ये साइन बना हुआ है, इट मीन्स आगे जो रोड है वो क्या है, स्लिपरी है, वहाँ पर स्लिप हो सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन। यहाँ देखिए एक आदमी शो किया हुआ है जिसके हाथ में कुछ हथियार है ठीक है, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है, रोड को ठीक करने का काम चल रहा है आगे। सो वी शुड बी केयरफुल। एंड स्कूल्स एंड स्कूल एंड किड्स, मीन्स आगे क्या है, स्कूल है। अब स्कूल होता है तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो एकदम से रोड क्रॉस करना चाहें, तो हमें ध्यान रखना है कि उस टाइम पर हमें
बिल्कुल स्लो करना है अपने व्हीकल को, ताकि अगर कोई बच्चा आता है तो हम आसानी से ब्रेक लगा सकें। ठीक है, तो इन साइंस का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ और ट्रैफिक साइंस होते हैं जो आप देखते होंगे रास्ते में, नो यू टर्न, यहाँ लिखा होता है इस तरह से, यू बनाया होता है उसको क्रॉस किया जाता है, इट मीन्स नो यू टर्न, आप वहाँ से घुमाकर वापस नहीं आ सकते हैं, नो यू टर्न। नो राइट टर्न, कि आप सीधे जाकर, ठीक है, जैसे आप अभी सीधे चल रहे हैं तो आप राइट में नहीं मुड़ सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, इट मीन्स नो राइट टर्न। नो लेफ्ट टर्न, अगर आप यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो नो लेफ्ट टर्न, कि वहाँ पर आप लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो पार्किंग, अब कई बार आप होटल्स में या हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये साइन लिखा मिलेगा, वहाँ पर इट मीन्स आपको पार्किंग नहीं करनी है, वो एरिया पार्किंग के लिए नहीं है। स्पीड लिमिट 30, अब कहीं कहीं पर आपको ये लिखा होगा, कहीं 30 होगा, कहीं 50 लिखा होगा, कहीं पर 80 लिखा होगा, तो ये होती है स्पीड लिमिट, यानी कि आपको व्हीकल की स्पीड लिमिट जो है वो 30 पर रखनी है, स्पीड ज़्यादा 30 से ज़्यादा नहीं करनी है। स्टॉप, अब ये साइन क्या होता है, इसके अंदर भी लिखा होता है स्टॉप, और इसका मतलब होता है हमें रुकना है, स्टॉप। लेफ्ट टर्न, अगर आप सीधे चल रहे हैं इट मीन्स आप बिल्कुल सीधे नहीं जा सकते हैं, जहाँ तक सीधा जाना है उसके बाद अगर जगह नहीं है तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट टर्न लेना है। ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट टर्न, देखो कटा हुआ नहीं है ना, इसके अंदर क्रॉस का साइन नहीं है ना, इट मीन्स हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि काम चल रहा है आगे, देखो यहाँ पर इसके हाथ में हथियार हैं, इट मीन्स क्या है, काम चल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है। नो बाईसाइकिल, हम कहीं जाते हैं बाहर अपनी साइकिल से, अगर ये साइन बना हुआ है तो हमें वहाँ पर साइकिल्स अपने पार्क करना नहीं है। अब रोड सेफ्टी कुछ टिप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ओनली व्हेन व्हीकल्स आर स्टॉप्ड। अब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करेंगे, जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो आप यहाँ से इस तरफ से रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, देखा ना, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, इस तरह से वाइट पट्टियाँ जो बनी होती ना, दिस और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ करनी है व्हेन व्हीकल्स आर स्टॉप्ड। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कब आपको यूज़ करनी है, जब व्हीकल्स क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं, जब रेड लाइट होती है। ठीक है, जब ग्रीन लाइट होती है तब आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ नहीं करना है। लुक बोथ साइड व्हाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीट और अ रोड, नेवर क्रॉस इफ व्हीकल्स आर कमिंग। ठीक है, जब भी आप कहीं जाते हैं वी शुड लुक लेफ्ट साइड एंड वी शुड लुक राइट साइड। ठीक है, बोथ साइड वी शुड लुक, और कभी भी जब व्हीकल आ रहे होते हैं तो वी शुड नॉट क्रॉस। सॉरी, use the zebra crossing only when you see the vehicles are stopped and walking man signal is green। जब ये walking man signal green होता है उसी time हमें zebra crossing को cross करना चाहिए। ठीक है, तभी हमें road cross करना चाहिए। wear a helmet when riding a two wheeler or a bicycle, it protect us from injury। ठीक है, जब भी हम टू व्हीलर्स पर होते हैं, टू व्हीलर्स मीन्स जिस व्हीकल के टू व्हील्स होते हैं, ठीक है, लाइक साइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल, सो वी शुड ऑलवेज वियर हेलमेट। ठीक है, साइकिल पर भी हों या हम स्कूटी पर हों या बाइक पर हों, वी शुड ऑलवेज वियर हेलमेट्स, तो इससे हमें क्या होता है, इंजरी होने का खतरा कम होता है। ऑलवेज वियर आ सीट बेल्ट वाइल इन अ कार, जब भी आप किसी कार में होते हैं, यहाँ देखिए सीट बेल्ट दिखाई है ना, इन्होंने लगाई है, वी शुड यूज सीट बेल्ट, इट हेल्प्स अगेंस्ट हार्मफुल मोमेंट लाइक अ सडन ब्रेक, अगर आपको सडन ब्रेक लगाना है तो ये आपको सेफ रखेगी। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। ऑलवेज
Always turn the engine off when getting fuel for car or it may catch fire. जब भी आप फ्यूल डलवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल जब भी आप डलवाते हैं पेट्रोल पंप पर, वी शुड ऑफ द इंजन, हमें गाड़ी का इंजन क्या है, ऑफ रखना चाहिए, अदरवाइज इट मे कैच फायर, अदरवाइज आग लग सकती है, ठीक है, ऑयल तो जल्दी से आग पकड़ सकता है, सो वी शुड ऑफ द इंजन. गो टू द रोड और रोड साइड ऑलवेज विद एन एल्डर. जब भी हम कहीं रोड पर निकलते हैं वी शुड ऑलवेज गो विद आर एल्डर्स, हमें हमेशा हमारे बड़ों के साथ निकलना चाहिए, ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं तो आप अकेले ना जाएं, अपने एल्डर्स के साथ जाएं. डू नॉट प्ले ऑन द रोड, और कभी भी हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. अगर कई बार खेल हम साइड में खेलते हैं, ठीक है, और खेलते खेलते अगर आप बॉल से खेल रहे हैं, आपकी बॉल रोड पर चली गई है, तो आपको अकेले बॉल को लेने नहीं जाना है, ठीक है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है, तो हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना है. डू नॉट रन ऑन द रोड, और रोड के ऊपर हमें दौड़ना भी नहीं है. अगर हम कहीं जा रहे हैं रोड को क्रॉस करना है, तो कभी भी दौड़ कर रोड क्रॉस नहीं करना है, हमें ध्यान से चलकर और हाथों के इशारे करके चलना है, ठीक है. अगर साइड में व्हीकल्स हैं तो हमें उनकी तरफ हाथ कर लेना है, ताकि उनको पता लगे कि आप लोग क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है. डू नॉट रन आफ्टर अ मूविंग बस, मूविंग बस मीन्स चलती हुई बस, ठीक है, चलती हुई बस में आपको कभी भी नहीं दौड़ना है. आप देखते होंगे ना, बड़े बच्चे कई बार करते हैं बसेस व्हीकल्स को पकड़ने के लिए चलते हुए को उनके पीछे दौड़ते हैं ताकि वो उसको पकड़ सकें. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई बात नहीं, 5-10 मिनट हम लेट हो जाएँ तो, ठीक है, सो वी शुड नॉट रन So we should not run after a moving bus. Do not get off from the moving vehicles. जब आप स्कूल आते हैं या फिर स्कूल से घर जाते हैं, तो आपको चलते हुए गाड़ी से नहीं उतरना है. You should wait, ठीक है, आपको वेट करना है जब तक कि आपकी गाड़ी रुक नहीं जाती है. गाड़ी के रुकने के बाद ही आपको उतरना है गाड़ी से, ठीक है. Do not use matchstick or lighter while in any vehicle. This may be dangerous. जब भी आप कहीं गाड़ी, बस या ट्रेन में होते हैं, तो आपको matchsticks और lighters वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है. बंद होती है तो हमें वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए. Never stick hands outside the vehicles. Some passing vehicles can harm. जब भी आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, तो मम्मी पापा को कहते सुना होगा ना कि गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालना. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई व्हीकल आ जाए, कोई गाड़ी एकदम से आ जाए, वो आपको नुकसान पहुंचा जाए. इसलिए कभी भी अपनी गर्दन या हाथ को गाड़ी से बाहर नहीं रखना चाहिए, ठीक है. बी कॉन्शियस व्हेन मूविंग ऑन अ रोड साइड, ऑलवेज यूज फुटपाथ. जब भी हम कहीं रोड पर जाते हैं, तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, हमें इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, अपना कंसंट्रेट करना है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ठीक है. साइड में अपने कानों को खुला रखना है, ठीक है, और हमेशा क्या करना है, फुटपाथ को ही यूज़ करना है. आप रोड पर नहीं चलेंगे, रोड के साइड में जो फुटपाथ बने होते हैं, यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. के अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आगे की ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.